नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आइए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से मेरा सुझाव मेरा चुनाव नाम से एलईडी रथ को कुमाऊं की 29 विधानसभा सीटों के लिए रवाना किया है। इस रथ के जरिए सरकार जनता से सुझाव भी देगी, जिनको बीजेपी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। इस रथ में सुझाव पेटियां हैं, जिनमें जनता अपने सुझाव डाल सकती है। यही नहीं, इस रथ के जरिए सरकार अपने पिछले 5 साल के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी। इन्हीं सुझावों के आधार पर आगामी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी का खनन के मामले में वायरल पत्र के मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की जांच गहनता से की जा रही है। अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 100-100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन का कोई मामला सामने आएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। तमाम और खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।